Dilingi di jinab sisi sari permatan lapika matas yes ni chrabe 2-3 sal mata gama lashi sosi ki dilingi mata mata ngol si mal gonja khlam kamati sabtu jun gama mati Stormashin has it been by a woman. She did not want the other. Then, does it? What's the matter? चलो अली साहब बहुत बहुत मुबारक दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मेहमान पूरा दिन से नजीस का कौन चीज नजीस का कौन यम का कौन यम दिन से स्टोर हुए जिस मुझे तो आज मेरा सफर में क्या स्टोर हुए जिस मुझे गुआना दे दूं से गोना खोने तरीका तो सुजी क्रेडिट मिले सुखा उसी को लोप सकता तो सर मते हाजी बुटू मते हाजी बुटू गुंदा मारे रियो कंपेयरी इंटरव्यू ले पर रियो का देखा ना मते अहोने लिपि सुहेल सु इसने पे शसियो तो पबर चो खुदाया कनी का शसी ब्रत पुनर चो खुदाया कनिका शिव्रत पुनर चो खुदाया कुजर बठामो लास्टन मिल खरना दिन अगजर का बल्तिस का मैं चीव रम खलेब ना दुख से ना आंगला तमन लाफसर दुमें चीव रम खलेब ना दुख से ना आंगला मनम पो छुट मिने शस्ते गोचु काशुर या मिसियारब मनम पो छुट मिने शस्ते गोचु आशुर या मिसियारब سو روح بیکن سو تھوک نری خسبی کے جور بھی پیا سو زدم سے پھو پو واجو سو تھوک کھن تو سپور بھی پیا سو زدم سے پھو پو واجو سو تھوک کھن تو سپور بھی پیا لو پار لا درول بھی لوم پو لکھان جکس ما جکس وقال تھالوخ پو بیس نچی چنگن مگرک فانا کھوے منشانا تھالوخ پو بیس نچی چنگن Magrifana Kemanchala, Rangi Lakhala Rang Tangmi, Nade Takdir Pola Jikse. Bhot khubsurat alfaz inhone istemal kiye hain, to puri kitab abhi sarsari taur par maine dekha tha, bhot khubsurat alfaz inhone istemal kiye. Khususan aili numare khai, ngara waji tas pa shuya, taya mucham gami samsa. Bwana, cha tayari se mevasta hai, gochan ko liyam khanshu stetsile. Dekala, ngati sadak sabi shobi icra ve sana jüden kon sadak sabi tele gari tuyot maya şahir kon ispara zemi mişas kod heze doğru yani çorta asli ispara zemi mişas ne yapma göz Kuzey Şeram Baltiz ki cidne bi log hai Ali sahib khun ke president hai general secretary Ashraf Ali Sagar baki cidne bi members hai un sab ko bhi main mubarakbad dena chahunga ki उन्होंने आज इस प्रोग्राम को जिसमें हमारे मोहम्मद अली आशूर साहब ने जो किताब लिखा है आपका ग्यालोन जैसे इन्होंने कहा कि ग्यालोन मतलब नतीस का अधिकार ग्या जरबन ग्या सो या थो मो सो लोन जरबन अरे खोस अली साहब जिस की युवा खाने जर नुजबन लोन जरबन अब सिल नजर दे रहा खासकर लेवन आप को चीज रहा लोन या चार लोन में तजरबे दो रहा चार लोन चीज हुआ जरबन लोन पो सो अति फिल چنتے کتاب پر ارز درین دکا اجرا باز یار سمولز کی نا دیا نو خاص شوق چمت بین البتہ نظم مطالعہ بات بین رہے لیکن ناس یہ انتہا دی کس پر ایک یوزر کی دے جگہ یاران نا صادق صاحب اس کا نیلا فارمل انویٹیشن کارڈ پر کیوں کیوں سب پڑھا پتہ ہے ان کی دی ماں یار اس نے شو شو ہوں اور ہنا کی انوار اس میں ہفتہ چیز نہ فون پر سوچ یوٹیوب شیو زری
फिर भी गा दुख देखे ने दस कार्ड पुख्यों मिला तासियत में ना यहाँ आज हमेशा बहसत एक एजुकेशन ही ऑफिशियल ची या ऑफिसर ही हैसियत ची मैंने राइटर ही हिसाब का मतलब ये सोच पर नहीं दिख रहा मैं सोच रहा था कोई और आशुर होगा देखे ने अंतर जो भी सस्कोट पर दे अगर थी एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगामाली साहब मौसी जनाब काचो फिरोज अहमद खान साहब सी सी गगिल दोना गिरिंगी दी मजलिस बियर आशुर साहब साजक साहब सेक्रेटरी साहब आगा साहब बाकी दीनू जिम्मेदारी खुरे शब ही जवान को योग से चौक बहदुल्ला खुदा ला लग लग शुक्र परवरदिगार ला सुई दुआ च कबूल सुन 2017 का ना फोफोड़ी चिक माथिक था दुई कुड़ी उसे यो गामिस नहीं कहियो बैनर तले आज हमारे इस तंजीम के सदर जनाब मोहम्मद अली आशुर साहब का एक तसनीफ रियालन ये जो मेरे सामने है मेरे हाथ में एक शायरी मजमा है ये छप कर आया है और आज इसकी रस्म रोनमाई करने के लिए हमने कई दिनों से इसकी तैयारियां की थी और हम बदकस्मती जिसे नहीं कहेंगे खुशकस्मती की बात है कि आज बारान रहमत अल्लाह ताला ने यहाँ बारान रहमत अता की अल्लाह ने और ये एक खुशायन कदम है और खुशायन बात भी है कि इस किताब के साथ साथ ये मुबारक मौका है कि इतनी अच्छी खासी मकदार में यहाँ बर्फ़बारी हुई और आज इस प्रोग्राम को थोड़ी सी इस बर्फ़बारी की वजह से इसकी रौनक थोड़ी सी फीकी पड़ गई क्योंकि इसमें जितने जो जो खरोज के साथ यहाँ आज अदवा व शोरा शिरकत कर रहे थे उतना नहीं कर पाया क्योंकि दूर दराज इलाक़ों से गिरद नवा से जो है अदबा व शोरा और अदबी ज़ोक़ रखने वाले हजरात यहाँ नहीं पूछ पाए और हम खुशकस्मती की बात है कि सीसी साहब जो यहाँ ही टाउन में जिसका घर होने की वजह से और ख़ुद भी अदबी ज़ोक़ रखते हैं अदबी ज़ोक़ व शोक़ रखते हैं तो ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं और अब प्रोग्राम आपको चल रहा है और रस्म रोनमाई भी इस किताब की हो चुकी है। ये रियालन नाम का ये जो अदबी मजमा अली साहब ने निकाला है अली आशुर साहब ने इसका 100 पैगाम इसका हम मानी ले लेंगे। इसको बल्ती में रियालन इसका नाम रखा है लेकिन उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे तो 100 पैगाम इसमें अली साहब ने एक शायरी मजमा निकाला है। ये ज़्यादातर इसमें जो है इस्लामी इस पर मुबंदी है और उसके अलावा अपने कल्चर पर भी इसने शेर व शायरी यहाँ किया है और सरसरी नज़र में इसे हम एक बहुत अच्छी शायरी मजमा हम बल्ती अदब के लिए कहें के लिए। हालांकि इसमें भी मैंने बहुत सारे लिखे हैं हर मौजू पर लिखा है जैसे कि अभी दरिया सुर के बारे में बोले इसके बारे में मैंने हालांकि वो रेडियो स्टेशन तक भी आया है लेकिन हमें हर मौजू लिखा है लेकिन आदमी को कहने के लिए कभी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि मैंने इसके बाद अभी मैंने सो तो इसमें है मैंने इंक्लूड किया है इसी किताब में लेकिन इसके बाद भी अभी मैंने और मेरे पास 30 यानी नज़में जो आप इसका गज़लें बोलो या नज़में या कोई भी किसी मौजू पर हो अभी और भी मेरे पास है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार अगर मैं वो किताब निकालेंगे तो वो मैं इसके साथ उर्दू के साथ में वो ईगे में भी लिखेंगे क्योंकि मेरा सबसे क्योंकि इस किताब को भी मैं ईगे में भी लिखना था लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं मिला इतना मैं परफेक्ट भी नहीं हो गया और मैं चाह रहा हूँ इसके बाद अगर मैं दूसरा किताब लाएँगे इस नज़्म में ही लिखेंगे। इसके बाद मैंने और कोशिश किया है कि थोड़ा मैं शॉर्ट स्टोरी भी मैं लिखता हूँ और शॉर्ट स्टोरी भी कम से कम मेरे पास 10-15 है उसमें बस्ती में भी लिखता है कुछ तो उसमें थोड़ा मैंने यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया भी है और भी लिखने की मैं कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह वो लेकर आएंगे। ख़ासकर इस किताब में मैंने जवानों के लिए बहुत कुछ लिखा है वो अगर जवान बच्चे देखेंगे और मैंने आप ये कहेंगे कि मेरे इसमें बहुत सारे ज़र्बुल अम्साल लाए हैं मैंने जो हमारे पास मिसाल अगर किसी ने अपने अलग सा कोई निकाला होगा मिसाल ज़र्बुल अम्साल या ज़र्बुल मिसल कहते हैं महावरात बोलेंगे लेकिन मैंने बहुत सारे यानी उनको महावरात या ज़र्बुल मिसाल को मैंने जगह दिया है। मैंने पहले भी कहा मैंने लैंग्वेज में तासुब नहीं किया है
इसमें बहुत सारे आप पढ़ेंगे तो हमारे पुरकी ज़बान भी है बहुत सारे। मैंने लफ्ज़ के मौजून और लफ्ज़ की खूबसूरती को देखा है और मैंने किसी भी लफ्ज़ को यानी चाहे वो पुरकी में हो किसी में हो मैंने उसको अपने यानी नज़मों में, हालांकि मैं एक किताब लिख रहा हूँ उसको मैं एक नया एक लफ्ज़ ला रहा हूँ, मिसाल जल वाला मैंने लिखा यानी हमको ज़्यारत करने के लिए, उसको मैंने लद्दाखी ज़बान भी किसी नज़म में लाया है। मेरा कहना ये है ज़बान के साथ तासुब नहीं करना चाहिए, आपको अदब लाना चाहिए और ख़ूबसूरत अल्फाज लाना चाहिए ताकि आपकी हर एक शायर की कलाम में शीन यानी क्या हुआ मिठास होना चाहिए। मिठास जहाँ पर आपको मिलेंगे यानी उसको आप अपने नज़म में उसको कैप्चर करना चाहिए, जैसे कि एक खूबसूरत परिंदा होता है आदमी चाहता है उस परिंदे को अपने पास रखें, इसी तरह अल्फाज भी ऐसी चीज़ होते हैं।